टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको YouTube वीडियो में लगाए जाने वाले टैग के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। टैग क्या होते हैं और कैसे इनको यूज करना है, क्योंकि हम बहुत बार टैग को कॉपी करके अपनी वीडियो में पेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने दिमाग से टैग लगाने चाहिए, तभी हमारी वीडियो वायरल होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखिए, तभी आपकी समझ में आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए आपको एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया आपने वीडियो बनाने के लिए। आपने टॉपिक सेलेक्ट किया कि सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाइए, आपका टॉपिक है वीडियो का। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि हम इस टॉपिक पर क्या टैग लगाएं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका टॉपिक है सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाएं, तो इस पर आपको टैग लगाने हैं। अपने दिमाग में ये सोचना है कि कोई दूसरा व्यक्ति सब्सक्राइबर को बढ़ाने के तरीके अगर यूट्यूब पर सर्च करता है तो वो क्या क्या लिख करके सर्च करेगा, यानी कि दूसरा व्यक्ति इस टॉपिक को कितने तरीके से सर्च कर सकता है। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति यूट्यूब पर सर्च करता है कि सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाएं, तो आप टैग लगा दो कि सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाएं, ये टैग लगा दो। दूसरा टैग लगा दो सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो तीसरा टैग लगा दो हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर, तो दूसरा व्यक्ति क्या क्या लिख कर के आपकी वीडियो को सर्च करेगा यूट्यूब पर, ये आपको टैग लगा देने हैं। मान लीजिए जैसे कोई चौथा व्यक्ति आया यूट्यूब पर और उसने उसके दिमाग में आया कि मैं हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर ये लिख करके सर्च करूंगा, तो आप एक टैग लगा दीजिए। यानी कि आप दिमाग से सोचिए कि दूसरा व्यक्ति YouTube पर आपकी वीडियो के टॉपिक को क्या क्या लिख करके सर्च कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से 12-13 टैग लगा दीजिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी टैग लगाएं तो टैग में अपने चैनल का नाम भी जरूर लिखें। अब दोस्तों, टैग में चैनल का नाम लिखने से क्या लाभ होता है, ये मैंने एक पहली वीडियो में बताया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। तो दोस्तों, सबसे आसान भाषा में टैग क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल आसान भाषा में, किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हैं तो उस टॉपिक को दूसरा व्यक्ति अपने दिमाग में क्या क्या सर्च कर सकता है, यानी कि दूसरा व्यक्ति आपके उस टॉपिक को किन किन तरीकों से YouTube पर सर्च कर सकता है, वो ही टैग होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि टैग से संबंधित आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।